स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसे ही सेम स्टोरी रही है IAS अंसार शेख की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक IAS ऑफिसर के बारे में, जो कि बहुत ही कम उम्र में ऐसी शोहरत हासिल कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IAS अंसार शेख के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी फुल लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी, फैमिली, वाइफ और इनसे जुड़ी कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते होंगे। सो अगर आप इनके फैन हैं तो करिए वीडियो को लाइक। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए हम जानते हैं कि IAS अंसार शेख कौन हैं और कहां रहते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। दोस्तों, इनका निक नेम अंसार है और इनका रियल नेम अंसार अहमद शेख है। IAS अंसार का जन्म 1 जून 1995 को महाराष्ट्र के शहर जालना, इंडिया में हुआ था, और 2022 के हिसाब से इनकी एज की बात की जाए तो इनकी एज 27 साल हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इनकी नेशनैलिटी की, तो इनकी नेशनैलिटी इंडियन है और रिलीजन से ये इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं और कास्ट से है, सिख हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में, तो इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गाँव के एक सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद इन्होंने फोरग्यूज्म कॉलेज से बीए की ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अंसार शेख को शुरू से ही सपना था कि वे बड़े होकर IAS ऑफिसर बने, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान UPSC की प्रिपरेशन में लग गए। अंसार शेख पढ़ाई में बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट भी थे। वे अपने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमेशा क्लास में टॉप किया करते थे, और इन्होंने 2015 के सिविल सर्विस सेवा में 317वीं रैंक हासिल की। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन से एक प्रेजेंट में IAS ऑफिसर हैं। और बात की जाए इनकी फिजिकल स्टेटस की, तो इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है और इनका वेट 65 kg है। अब बात कर लेते हैं इनकी आई कलर की, तो इनकी आई कलर ब्लैक है और इनका हेयर कलर भी ब्लैक है। इनका स्किन कलर फेयर है और इनकी बाइसेप्स की साइज 13 इंच है। अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से, तो इनके फादर का नाम यूनुस अहमद शेख है और इनके पिता ने 3 शादियां की हैं। अंसार की मां उनके पिता की दूसरी पत्नी है, जिनका नाम नदीमा बानो है। आपको बता दूं कि ये 2 भाई हैं। अंसार के भाई का नाम अनीस शेख है। दोस्तों, इनकी शादी भी हो चुकी है। इनके वाइफ का नाम वैजा अंसारी है। अब आपको बताते हैं इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, तो अंसार जब 9th क्लास में थे तब इनके पिता अंसार के साथ डिप्टी कलेक्टर के पास गए BPL फॉर्म पर सिग्नेचर के लिए। तब वहीं डिप्टी कलेक्टर ने अंसार के पिता से रिश्वत मांगी और वहीं से अंसार ने एक पावरफुल अधिकारी बनने का इरादा बना लिया। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे गर्मियों की छुट्टी में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते थे तब उन्होंने अपने पिता से कहा, लेकिन इनके पिता ने सख्त मना कर दिया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने गांव के एक होटल में वेटर तक का काम किया, और वहां से जो पैसा मिला उससे वो कंप्यूटर कोर्स किए। उसके बाद इनके पिता ने पढ़ाई छोड़ने को कही, लेकिन अंसार के टीचर ने उनके पिता को बताया कि अंसार पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और वे बड़े होकर अपने व अपने परिवार का भविष्य सुधारेंगे। टीचर की बात सुनकर इनके पिता ने इनको आगे पढ़ाई कराने का फैसला ले लिया। अंसार ग्रेजुएशन के दौरान UPSC की किताबें खरीदना चाहते थे, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं थे लेकिन वे किताब खरीद सके, इसलिए इन्होंने लगभग 2 महीने तक एक कोचिंग सेंटर में चपरासी का काम किया और अपने 2 महीने की सैलरी से किताबें खरीदी। इन्होंने IAS ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किए हैं और ये एक यंगेस्ट IAS ऑफिसर हैं। यह कारनामा
इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में कर दिखाया। अब बात कर लेते हैं इनके इनकम के बारे में। तो अंसार शेख मंथली 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं और 2022 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 80 लाख रुपए हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी लाइफ स्टाइल वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इनके बारे में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।